जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर ए आजम अर्थात अकबर महान शहंशाह, अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासन काल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंद राजा हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियाँ सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थी। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने आरंभिक शासन काल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थी। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन-ए-इलाही की भी स्थापना की जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा आम्बेर के कछवाहा राजपूत राज भारमल ने अकबर के दरबार में अपने राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही प्रवेश पाया था। इन्होंने अपनी राजकुमारी हरखा बाई का विवाह अकबर से करवाना स्वीकार किया। विवाहोपरांत मुस्लिम बनी और मरियम उज़मानी कहलाई। उसे राजपूत परिवार ने सदा के लिए त्याग दिया और विवाह के बाद वो कभी आमेर वापस नहीं गई।
उसे विवाह के बाद आगरा या दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं मिला था, बल्कि भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव मिला था। उसकी मृत्यु 1623 में हुई थी।